कैन यू बिलीव इट, ये आपको सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएगा। वाओ, 250 रुपीज फ्रंट ज्वेलरी यहीं पे एंड इसी शॉप। ये आप देख सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज माही। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो आप पीछे देख रहे हो वो करोल बाग मार्केट। तो हम आए हैं आज करोल बाग मार्केट, और यहाँ पे आने के बाद आई रियलाइज कि ये मार्केट बहुत अच्छी है, और यहाँ पे आपको ब्रांड के रेप्लिकास मिल जाते हैं, क्लोथिंग में हो या शूज में हो या बैग में हो। और बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हो और बार्गेनिंग भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, आपके बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं। तो मैं ज़्यादा बातें ना करती हूँ और वीडियो शुरू करती हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन हिट कर देना जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो सबसे पहले जैसे ही आप मेट्रो से नीचे निकलते हो, मेट्रो से एग्जिट लेते हो, तो उसके बाद ही आपको यहाँ पे बैग की और ये रिंग्स की शॉप मिल जाती है, और यहाँ पे शर्ट भी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो मैंने जस्ट मेट्रो से उतरने के बाद, वाओ ये रिंग्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना भैया। कितने कितने की रिंग? 250। रोल बाग मार्केट में आपको कपड़ों के साथ साथ एक्सेसरीज, शूज भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मिल जाते हैं, कि रेप्लिकास या आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे फूड की शॉप है। हम एंट्री ले चुके हैं मेन मार्केट में। जो मैंने अभी आपको दिखाया वो था मेट्रो से उतरने के बाद फुटपाथ पे जो लग रही थी मार्केट वो। एंड यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो 150, 200 की सेल में आपको शर्ट, टी शर्ट्स एंड उसी के साथ साथ टॉप भी मिल जाती है। टेंट टॉप हो गई और क्रॉप टॉप हो गई। भैया आपकी शॉप का नंबर बता दोगे? शॉप नंबर 3। नंबर 3 पे ही आपको 200 की रेंज में वन पीस मिल जाते हैं। तो अब हम वन पीस देख लेते हैं एक बार। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और ये कपड़े पुराने नहीं होते, मैं आपको ये बता दूँ। ये सिर्फ वो कपड़े होते हैं जो ब्रांड के पास पहुंचने से पहले ही ख़राब हो जाते हैं या फिर बहुत लेट पहुंचते हैं, ऐसा कुछ होता है, बट ये पुराने नहीं होते। तो आप इनको ईजिली यहाँ से ले जाकर एक बार वॉश कर लें तभी इनको पहने, बस मैं इतना सजेस्ट आपको कर सकती हूँ। अब हम चलते हैं आगे एंड इसी शॉप के सामने ये लगे हुए हैं, स्कर्ट लगी हुई है 549 में। वैसे ही सेम इसी लाइन में राइट हैंड पे आपको स्टॉल्स मिलेंगे एंड देन लेफ्ट हैंड पे सिर्फ शोरूम है, शॉप है जिन पे ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ 50 की रेंज में मुझे कुछ दिखा है तो मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी। टी शर्ट्स हैं बॉयज़ की। जो कि 50 में है सिर्फ और सिर्फ। एंड बॉयज़ की पैंट की बात करें तो यहाँ पे 250 की रेंज में पैंट मिल रही हैं बॉयज़ की। तो आजकल तो पता ही नहीं चलता लड़कों की क्या है, लड़कियों की क्या है, सब सेम कॉम्बिनेशन है। शॉप नंबर क्या है भैया आपका? 9। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 250 में बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे लगता है, क्योंकि 250 की रेंज में आपको ऐसे फैब्रिक्स नहीं मिलेंगे। अगर ये पुराना होता ना, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये पुराना होता तो ये सब कुछ छूटा होता, कुछ भी नहीं छूटा है इसका। एंड देन जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शूज़ भी मिल जाते हैं, तो शूज़ की वैरायटी ये रही यहाँ पे। तो यहाँ पे शूज़ की शॉप कपड़ों से ज़्यादा मिलती है, मैंने कई बार आप यहाँ पे आके देखा है। तो यहाँ पे ब्रांडेड शूज़ की रेप्लिकास भी मिलती हैं, लाइक ये आप देख सकते हो।
हम कैसे बोल सकते हैं, कुर्तियाँ इस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैंने जैसा कि इंस्टाग्राम पे आपके साथ 3 से 4 रील्स शेयर करी है, उसमें मैंने कुर्तियाँ ही पहनी है। कुर्तियाँ इस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो यहाँ पे कुर्तियाँ आप देख सकते हो। और कुर्तियाँ ऑलमोस्ट हर जगह ही मिल जाती हैं और हमेशा रीजनेबल प्राइस पे। मैं एक बार सेट का प्राइस पूछती हूँ जो मुझे पसंद आ रहा है। भैया इसका प्राइस क्या है? 1650। तो 1650 इन्होंने बताया, जब हम कम करेंगे तो ये कम भी हो जाएगा, तो आई थिंक 1200 तक ये लग जाएगा। कुछ देखने के बाद टैंक टॉप और क्रॉप टॉप को कैसे भूल सकते हैं, लॉन्जरी को कैसे भूल सकते हैं, वो तो मेन पार्ट होता है हमारे किसी भी आउटफिट को इन्हेंस करने के लिए और उसको अच्छा दिखाने के लिए, मतलब परफेक्ट दिखाने के लिए। तो यहाँ पर लॉन्जरी भी आपको मिल जाएगी। शॉप नंबर क्या है भैया आपका? 20। तो लॉन्जरी यहाँ मिल जाएगी काफ़ी अच्छी। प्राइस आई डोंट नो, मैं इतना ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे लॉन्जरी भी मिल जाएगी। कुर्तियाँ 250 की रेंज में है, जिसमें कलर आप देख सकते हो, साइज़ आप अपनी पसंद का ले सकते हो, क्योंकि साइज़ ऑप्शन बहुत ही कम मिलता है ऐसी मार्केट्स में। जो अगर स्टॉल में लगी हुई चीज़ें होती है उनमें साइज़ ऑप्शन मिनिमम होता है, जो स्टॉल में लगा हुआ है आप उसमें से ही पसंद कर लीजिए। अगर साइज़ आपको फिट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय। एंड ज्वेलरी आ गई हमारी, तो मैं ज्वेलरी देखती हूँ। मैंने ये लिया था मीशो से 120 रुपीज़ में, एंड देन मैं इसका प्राइस पूछती हूँ। भैया ये आपका है? कितने का है ये? 150 का है। तो आइए हम देख लेते हैं वॉच, इनका प्राइस पूछते हैं। तो ये ब्लैक वाली मेरे को पसंद आ गई। भैया इसका कितना रुपये प्राइस है? 250 रुपीज़। ओह, तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंट ज्वेलरी यहीं पे दिखी है, तो चलिए कुछ देखते हैं, यहाँ पे कुछ पसंद आता है तो लेते हैं। दिस इज लास्ट शॉप, तो आप जैसे ही मार्केट में एंटर करोगे तो आपको राइट हैंड पे ही सारे स्टॉल और शॉप मिलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे आपको मिलने वाले हैं सारे शोरूम पे आपको मिलेगा ब्रांडेड चीज़ें, जैसे मयूरव हो गया, ये सारे ब्रांड आपको लेफ्ट हैंड पे मिलेंगे और राइट हैंड पे आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप बार्गेन भी कर सकते हो अगर आपकी स्किल अच्छे हैं तो, अदरवाइज़ आप सेम प्राइस पे भी ले सकते हो, उतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है। और ये जो आप श्री हनुमान मंदिर देख रहे हो, यहाँ पे आपको इसके अगल बगल में 2 शॉप हैं जिन पे आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। ये सब कुछ देख लिया मंदिर के जस्ट बराबर में हमें एक बैग की शॉप मिली है, यहाँ पे हम बैग देखने वाले हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं गॉगल्स, जो कि यहाँ पे स्टॉल में लगा हुआ है, और इनकी प्राइस रेंज है 100, 150, 200, 250, मतलब 100 से कम तो कुछ भी नहीं है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, यस। दूसरा देखती हूँ अभी। कैन यू बिलीव इट, ही आपको सिर्फ 150 रुपये में मिल जाएगा। वाओ, गुची का। ओके, क्या गुड लवर, यू कैन गो विद दिस शॉप, जो कि मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे ही है। सो गाइज, बाय बाय, दिस इज़ माई ओवरऑल वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कुछ भी समझ में आया हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे आके। और जो मैंने पहला वीडियो बनाया है करोल बाग का, वो भी देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए बाय बाय, सी यू सून, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।